तुसीं मैं हरणबीर सिंह राणा। सुप्रीम कोर्ट के वलों वड्डे निर्देश जारी किए गए ने यू पी सरकार नूं कि 60 साल तो उपर जिहड़े बजुर्ग कैदी ने जिहड़े 14 साल की जेल कैद पूरी कर चुके ने उन्हां नूं रिहाई दे लई विचार किया जाए। तो दस दीए कि 60 साल तो उपर कैदियों के लिए राहत वाली खबर है, जिन्हां ने 14 साल की जिहड़ी जेल है अपनी कैद है वो पूरी कर लई है। सुप्रीम कोर्ट दे विच एक सुनवाई हुई है जिस तो बाद सुप्रीम कोर्ट के वलों ये निर्देश जारी किए गए ने कि इस पर विचार किया जाए। जिन्हां कैदियों की उम्र 60 साल है और जिन्हां ने अपनी 14 साल की कैद पूरी कर लई है उन्हां दियां लिस्टां बनाई जाण अते इस पर विचार किया जाए तो इन्हां कैदियों नूं रिहाई दे लई सरकार विचार करे। दस दिए कि हालांकि यह मामला जिहड़ा यूपी का है पर जेकर यूपी दे विच ये गल लागू हुंदी है तो इसे दे आधार पर बाकी स्टेटां दे विच भी ये जिहड़ा निर्देश है लागू हो जाएगा। 60 साल तो उपर कैदी जिन्हां दी कैद 14 साल पूरी हो चुकी है उन्हां नूं रिहाई करन दे लई विचार कीता जावे, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट दा। उन्हां दियां लिस्टां बनाईयां जाण, कमेटी बना के विचार कीता जावे ते जेलर तो पुछ के जिन्हां दा चाल चलन चंगा है आचरण चंगा है उन्हां दी रिहा जिहड़ा उन्हां नूं कीता जावे। तो दस दईए कि बहुत सारे कैदी अजिहे ने जिहड़े 60 साल तो उपर हो चुके ने ते अपनी 14 साल की कैद भी भुगत चुके ने। सिख बंदी कैदी तो अजिहे ने जिहड़े कानून मुताबक दित्तियां सजावां भी भुगत चुके ने अते 60 साल तो उपर भी हो चुके ने पर हाले भी उन्हां नूं रिहा नहीं कीता जा रहा। तो इस मामले दे विच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 433A दे तहत एक कमेटी बना के अजिहे मामलों नूं विचारिया जाए। वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हां कि जेलों 'च बंद बजुर्ग कैदियां ਲਈ राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूपी सरकार ਨੂੰ ਇਹ आदेश ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਕੈਦ ਨੇ। यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ 7000 ਕੈਦੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। इकल्ले इलाहाबाद हाई कोर्ट दे विच 1,75,000 केस पेंडिंग ने अते वख-वख अदालतां दे विच भी लखां केस पेंडिंग ने जिन्हां दी सुनवाई तक नहीं हो रही। दस दईए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट दे विच जजां दी गिणती सिर्फ 160 है जिन्हां दे विचों 67 असामियां खाली ने। सुप्रीम कोर्ट ने बजुर्ग कैदियां दी सूची बनाउण दे भी निर्देश जारी कीते ने। तां वड्डी खबर दस रहे हां कि जेलां दे विच बंद बजुर्ग कैदी रिहा हो सकते ने। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार नूं रिहाई ते विचार करन दा हुक्म दिता है। उत्तर प्रदेश दीआं जेलां दे विच बंद उन्हां कैदियां लई राहत वाली खबर है जिन्हां ने 14 साल की सज़ा पूरी कर लई है जां जिन्हां दी उम्र 60 साल जां इस तों वध है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार नूं जेलां विच कैदियां दी बहुतात अते उन्हां दी सुनवाई ना होण दे मद्देनज़र उन्हां दी रिहाई बारे विचार करन दा हुक्म दिता है। यूपी दे विच 7000 तो वध अजिहे कैदी ने जो 10 साल तो वध समय तो जेलों में बंद ने। अदालत ने कहा है कि सरकार नूं अजिहे मामलों नूं पैनल स्टॉप धारा 433A दे तहत कमेटी बना के अपने आप विचार लेना चाहिए है। अदालत ने यह निर्देश सू मोटो ते लए एक मामले दिता है। दस दीए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट दे विच 2.5 लाख तो वध अपराधिक अपीलां पेंडिंग ने अते जेकर ये प्रोजैक्ट यूपी दे विच सफल हुंदा है तो इसनूं होरना राज्यां दे विच भी लागू किया जा सकता है। हाई कोर्ट दे विच जजां दी अधिकारत गिणती 160 है पर 67 असामियां खाली ने। यूपी सरकार नूं कमेटी बनाउण दे निर्देश दे दित्ते गए ने कि जिन्हां दी उम्र 60 साल है जां इस तों वध है जां अपनी 14 साल की सज़ा पूरी कर चुके ने अजिहे बजुर्ग कैदियां की सूची तैयार की जाए अते जल्द रिहाई लई उन्हां दा केस ਰਾਜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ दिशा निर्देश जारी किए गए ने। सुप्रीम कोर्ट के वलों फिलहाल यूपी सरकार नूं कहा गया है कि यूपी सरकार अजिहे कैदियां दी लिस्ट बनावे, अजिहे कैदियां दी सूची बनावे जिन्हां दी उम्र 60 साल है तो जिन्हां ने अपनी 14 साल दी सज़ा पूरी कर ली है, क्योंकि अदालतों दे विच लखां केस पेंडिंग ने तो अपीलों की सुनवाई नहीं हो रही हैगी। तां यूपी सरकार नूं फिलहाल ये आदेश जिहड़े ने सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों जारी किए गए ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 60 साल तो उपर उम्र के कैदियों नूं जिहड़े सज़ा 14 साल की पूरी कर चुके ने उन्हां दी रिहाई लई विचार करे, सरकार कमेटी बनावे ते उस दे विच विचार करके चंगे आचरण वाले कैदियों नूं रिहा कर दिता जाए। तो वड्डी खबर दस रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों ये निर्देश जारी किए गए ने। फिलहाल ये निर्देश यूपी सरकार नूं जारी किए गए ने। जेकर ये निर्देश यूपी च लागू हुंदे ने तो फिर पंजाब अते होर स्टेटां दे विच भी आने वाले समय दे विच ये निर्देश जिहड़े ने लागू हो सकदे ने। दसदी है कि सिख बंदी जिहड़े ने, सिख कैदी रिहा नहीं हो रहे, हालांकि उन्होंने सज़ा भी पूरी कर ली है, कानून मुताबक जिहड़ी सज़ा दित्ती सी वो भी पूरी कर ली है, तो उन्होंने उम्र भी बहुत सारियां दी 60 साल तो उपर हो चुकी है। तो जेकर यूपी दे विच ये निर्देश लागू हुंदे ने तो आने वाले दिनों के वख-वख कैदियों ते ये निर्देश जिहड़े ने लागू हो सकते हैं जिन्हां ने 60 साल की उम्र है, जिन्हां कैदियों की जिहड़े बजुर्ग हो चुके हैं जां जिन्हां ने 14 साल की उम्र जिहड़ी है वो कैद दे विच पूरी कर लई है, 14 साल कैद कट लई है, उन्हां नूं रिहा जिहड़ा इहो कीता जा सकदा है।